टाइगर फिल्म आने के बाद से एक नया विवाद महाराष्ट्र के मालेगांव में शुरू हो गया। आखिर वो क्या विवाद है जिसकी वजह से सलमान को खुद सोशल मीडिया पर आकर ये कहना पड़ा कि आप थोड़ा संयम बरतिए। पूरा विवाद हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं चकल्लस, इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे चकल्लस में। आशीष, क्या है पूरा मामला और क्यों सलमान को आकर अपील करनी पड़ रही है? मामला इतना खतरनाक है कि मतलब देखते ही सुनते ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप फिल्म देखने जाइए कोई फिल्म देखने और अचानक से आप फैमिली के साथ जाए फिल्म देखने और उसका पहला ही शो हो और हॉल के अंदर पटाखे रॉकेट बम धमाके फायरिंग होने लगे तो आप क्या करेंगे? बच्चों को लेकर वाइफ को लेकर कहाँ जाएंगे आप बताइए? उस हॉल से निकलने के एग्जिट द्वार एक है और बाएं से मुड़िए वो बाथरूम का दरवाजा है, कहाँ जाएंगे आप बालकनी में अगर बैठे हुए हैं? तो क्या हॉल के अंदर पटाखे छूटने लगे? में अगर आप बैठे हुए हैं हॉल के अंदर से आप अगर लेके बैठे हुए हैं कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे हुए हैं पॉपकॉर्न लेके बैठे हुए हैं एंजॉय के मूड में हो सलमान खान और शाहरुख खान सामने चल रहे हो सामने बिल्कुल और अचानक से बम पटाखा फूटने लगे तो क्या हाल होगा मुझे बताइए? वही आज हुआ मालेगांव में, नासिक के मालेगांव में क्या हुआ, हॉल के अंदर सलमान खान की टाइगर 3 आ रही थी, चल रही थी मूवी और फिल्म जब खत्म होती है उसके बाद वहाँ बम धमाके जैसे आप देखते हो गाजा पट्टी में बम धमाके रॉकेट दग रहे हैं वैसे हॉल के अंदर दग रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक है। आपको याद होगा उपकार सिनेमा कांड याद होगा जब बॉर्डर मूवी आई थी उसमें हॉल के अंदर आग लग गई थी और न जाने कितने लोग मासूम लोग मारे गए थे जल गए थे उसी तरीके का। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ लेकिन ये खतरे की घंटी है। क्या ये मेरा सवाल ये क्या ये प्रमोशन के लिए किया गया ऐसा? क्योंकि हॉल के अंदर आप पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते, आप अपना खाना नहीं ले जा सकते, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं बाहर चेक कर, ये बम पटाखे कहाँ से चले गए वो भी थैलियों में इतने ज़्यादा मात्रा में? क्या ये प्रमोशन के लिए किया गया, सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया कि भैया ऐसा हो जाएगा तो बगैर प्रमोशन के बगैर कुछ पैसा? मालेगांव वैसे भी मालेगांव ब्लास्ट के बाद से बहुत सेंसिटिव रहा। सलमान खान की जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो मालेगांव में जो थिएटर्स हैं क्योंकि वहाँ में मैं सीधी बात करता हूँ वहाँ में कम्युनिटीज कुछ ऐसा है कि उनको सलमान खान को बहुत पसंद करती है, वो कोई भी मूवी होगी वो देखने जाएंगे जरूर। आप जब देखने जाएंगे वो मूवी वो तो जोश हाई होता है सलमान खान को देखकर और जोश हाई होता है तो फिर इस तरह घटनाएं होती है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, थिएटर मालिक क्या कर रहे हैं कि भाई बम धमाके रॉकेट कैसे पहुंच गए अंदर मुझे बताइए? ये कैसे पहुंच गए ये बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है। दीपांशी, पहला सवाल, क्या आपने टाइगर फिल्म देख ली? नहीं सर, अभी हमें इतना टाइम नहीं अभी हमारे पास। अच्छा, अब जो ये घटना है इसका वीडियो आपने देखा? हाँ सब घटना का वीडियो देखा था और देखा था कि किस तरीके से जो है लोग पीछे हफदड़ी मची हुई थी, भाग रहे थे जान बचाने के लिए क्योंकि जो बम फोड़ रहे हैं उनको तो पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, बट जो लोग वहाँ पे मूवी देखने आए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बहुत खतरनाक इंसिडेंट था ना कि एक साथ से इतने सारे रॉकेट्स ब्लास्ट हो रहे हैं और शायद स्काई शॉट्स भी थे और कुछ बम वगैरह भी थे तो एक साथ से इतने सारे बॉम्ब्स वगैरह ब्लास्ट हो रहे हैं और मान लीजिए अगर उसमें कहीं आग लग जाती और इतनी हफदड़ी में लोग भाग ही नहीं पाते तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था कि इतने सारे लोग एक साथ उस आग में झुलस सकते थे या एक साथ उन लोगों को सबको बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी और हो सकता है कि छोटी मोटी चोट जरूर किसी ना किसी को लगी भी होगी। सलमान की कौन सी फिल्म देखी आपने? पहले टाइम पे मैं पुरानी फिल्में देखती थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, काफ़ी मतलब पारिवारिक तो उनका कंटेंट होता है बट थोड़ा मीनिंगफुल भी लगती थी तो मैं पहले ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखती थी, अभी नहीं देखती उतना। टाइगर 3 जी सर आपने देखी? सर मैंने मूवी नहीं देखी लेकिन ये जो घटना हुई है गनीमत रही है कि वहाँ पे लोग बच गए, नहीं तो जैसे वो बम पटाखे फूट रहे थे सर लिटरली कोई बंदा उस चीज़ से बच नहीं सकता था क्योंकि रॉकेट का पता नहीं होता कि किसका मतलब रॉकेट कहाँ पे जाके कहाँ पे टकरा जाए, गलती से किसी भी वहाँ पे पूरी फैमिली आई हुई थी किसी के भी कुछ हो जाता तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती। नहीं, वो तो ठीक है। बड़ी बात सर इस पे सिक्योरिटी पे भी सवाल उठता है कि सर जैसे आशीष सर ने बोला कि आप पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते अपनी तो सर इतनी बड़े लेवल पे कैसे पटाखे वहाँ पे चले गए ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, रनडाउन छोड़ के सुभाष जी भी आ गए हैं, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। सुभाष जी ये बताइए कि क्या आपने फिल्म देखी है या टिकट बुक किया है? मैंने अभी फिल्म ना देखी है ना अभी टिकट बुक किया है लेकिन मैं करूँगा करूंगा नहीं करूंगा उसका नहीं पता लेकिन लेकिन जो घटना हुई जो घटना हुई वो पूरी तरह गलत है, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। महिलाएं छोटे बच्चे होते हैं फिल्म देखने जाते हैं उनका क्या, अक्सर भगदड़ में छोटे बच्चे और महिलाएं ही घायल होती है उन्हीं की मौतें होती है तो जो अगर आपको भक्त होना ठीक है लेकिन अंधभक्त होना बहुत गलत है।
अगर आप चाहते हैं कि सलमान खान की मूवी चले या अगर उनको पसंद करते हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप पटाखे चलाएंगे और अगर मानिए पटाखे चलाने से आग लग जाती, बच्चे मरते, छोटे बच्चे जाते हैं फिल्म देखने के लिए, महिलाएं जाती हैं, तो उनका क्या? तो अगर आप ऐसा करेंगे तो अगली बार जाएंगी महिलाएं? नहीं जाएंगी, वो सोचेंगे कि अक्सर हॉल में भगदड़ होगी, लोग पटाखे चलाएंगे, लोग बच्चे घायल होंगे, तो ऐसा क्यों? ये क्या करना चाहते हैं आप लोग? इसे साबित क्या करना चाहते हैं कि आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन बन गए हैं? ये मैं इसको सरासर गलत कहूँगा, ये गलत है। आप, आप सलमान खान के फैन हैं कि नहीं? मैं फैन सब किसी का नहीं हूँ। मैं किसके हैं पंखा किसके हैं आप? मैं किसी का ठंडी हवा का झोंका जरूरी है। मैं फैन किसी का नहीं हूँ, मैं पसंद करता हूँ उनकी एक्टिंग पसंद करता हूँ, लेकिन किसी का अनभक्त मैं नहीं हूँ। चम्मच किसी के हैं? किसी का चम्मच भी नहीं हूँ मैं। फैंडम दिखाने के लिए हमने देखा है कि अक्सर जैसे बॉलीवुड में कोई किसी के खास अभिनेता की अभिनेत्री की मूवी आती है तो लोग क्या करते हैं ना, इसे जहाँ पे वो स्क्रीन लगी होती है उसके पास जाएंगे, या तो वो जो मेन जो उसमें सॉन्ग होगा उस पे डांस करेंगे या हुक स्टेप करेंगे या कोई डायलॉग बोलते हैं, ऐसे हमने अक्सर वीडियोज देखा है और वो काफ़ी फ्रेंडली भी होता है। लोग जो बाकी ऑडियंस वहाँ बैठी होती है ना वो भी बहुत इंजॉय करते हैं कि हाँ उनके फैंस आए, उन्होंने ये डांस प्रिपेयर करा, पूरी पूरी टीम हमने देखा है कि नाटो नाटो जो गाना था उस पर पूरा लोग जाके ऐसे वहाँ पर स्टेज परफॉर्म कर रहे थे जब वो गाना चलता था स्क्रीन पर। वो बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो गया कि उसको ऑस्कर अवार्ड तक मिला है। तो इस तरह का फैंडम दिखाओ ना कि उस गाने को भी लोकप्रियता मिले, आपके फेवरेट सेलिब्रिटी को भी मिले और उस मूवी को भी मिले। नेगेटिव और ये टुच्ची पब्लिसिटी करने से लोगों एक चीज बताओ, तुम्हारा पसंदीदा एक्टर कौन है? एक्ट्रेस मुझे पसंद है आलिया भट्ट, क्योंकि उनकी एक्टिंग स्किल्स काफ़ी मुझे पसंद हैं। एक्टर्स में मतलब इतना ज़्यादा कोई मुझे, ठीक है सब बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं। आलिया की कौन सी फिल्म? मुझे गंगूबाई काठियावाड़ी बहुत पसंद है, राजी बहुत पसंद है। राजी मतलब मुझे उनका एक अलग ही किरदार देखने को मिला था तो मुझे वो बहुत मैच्योर लगी थी उसको देख करके कि हाँ ये अपनी एक्टिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। एक वो छोटी हंसी मजाक वाली मूवीज़ करके स्टूडेंट ऑफ देयर से बढ़ करके जो उन्होंने राजी में किरदार निभाया वो मुझे बहुत पसंद आया था, तो उसके बाद से मैं और भी ज़्यादा। टाइगर 3 और उसके बाद की जो पूरी सलमान खान की का ट्वीट आया, उसके बाद उन्होंने अपील की, तो ये एक फैंस, आपने कहा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, तो ऐसा सोचने की कोई खास वजह? अरे होता ही है पब्लिसिटी स्टंट, जैसे अभी दीपांशी बता रही थी कि पर्दे के आगे डांस करना और सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराना कि वही बहुत सुपरहिट पिक्चर, चाहे उसमें कुछ ना हो फिल्म में। मुझे पठान में भी कुछ नहीं लगा जो आई थी, बिल्कुल बेकार पिक्चर थी, पता नहीं कैसे इतने पैसे कमा लेती है। मुझे गदर में भी कुछ खास लगा नहीं क्योंकि उसकी कहानी सेट पैटर्न में थी, लेकिन वो एक सनी देओल का स्टारडम था जो काफ़ी टाइम से लोग पसंद कर रहे थे। यहाँ की यहाँ तक कि मेरे फादर मेरे साथ पहली बार मूवी देखने गए, जिंदगी में पहली बार कदर देखने गए। मैं बता रहा हूँ ना, वो जो प्रमोशनल की बात कर रहा हूँ मैं, जिस तरीके से वो पर्दे के आगे डांस करना ये करना, वो सोशल मीडिया पर प्रमोशन टोटली है। ये फिल्म के अंदर क्या है, केवल स्टाइल है कि गोलियां चल रही धड़ 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 धड़, केवल कहानी सलमान खान के फिल्मों की मुझे समझ नहीं आ रही। आप सुनील शेट्टी के बहुत बड़े फैन, सुना किसी का फैन नहीं हूं। आपको दम कई बार उनकी नकल करते देखा जगह किसी का नकल, मैं ये हो नहीं सकता, ये मैं होने नहीं दूंगा वाली बात हो जाएगी फिर, तो है ना, तो मैं किसी का फैन नहीं हूँ मैं। हाँ मुझे आपको सुना मैंने कोई डुप्लीकेट सुनील शेट्टी का साइन करने आया था एक दिन, आप ही करने आए थे मुझे साइन, लेकिन मैंने वो कागज फाड़ दिया था। आप सामने मुझे एक दिए थे ऑफर कर लो पिक्चर, तो मैंने कहा मना कर दिया। अच्छा सुनील शेट्टी अगर करना हो तो हमें दमाद भी रखना पड़ेगा आज के राहुल के तरीके से। भाई साहब अबुल भाई आ गए, अबुल भाई आज जो हुआ आज जो हॉल के अंदर जो पटाखे दगे, आपको उपहार सिनेमा हॉल जैसा कुछ डर नहीं लगा? और ऐसा हो सकता था वहां पर? और आप जो है सलमान भाई के कितने बड़े फैन हैं आप? देखिए सलमान खान का मैं फैन हूँ, हालांकि मैं फिल्में बहुत ज्यादा नहीं देखता, लेकिन सलमान खान को देखता रहता हूँ, फिल्में भी उनकी देखता हूँ कभी कभार। अब सवाल ये है कि जो आज आपने कहा अभी उपहार वाला केस नहीं हो सकता था इस तरह की, तो जब मैं बात कर रहा था मैं था उस वक्त बुलेटिन में, और ये जब मेरे सामने ये खबर आई तो देखकर वाकई बड़ा अचंभा मुझे हुआ, जिस तरह के पटाखे वहाँ पर फूट रहे थे और जिस तरह से आतिशबाजी वहाँ पर चल रही थी, तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल था और बहुत ख़तरनाक माहौल था। इसको बाद में सलमान खान का भी अभी अभिषेक ने बताया, उसी तो बहुत डर गई थी। हाँ डरावना तो था, क्योंकि देखिए सिर्फ आग का ही खतरा नहीं था, भगदड़ का खतरा था, यानी जो लोग उस आतिशबाजी में शामिल नहीं थे वो उससे घबराकर भाग सकते थे। और सिनेमा हॉल वो वैसे सिनेमा हॉल नहीं थे, एक पुराने टाइप का सिनेमा हॉल लग रहा था जिसमें बहुत छोटे गेट्स होते हैं, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो भगदड़ में भी बहुत सारे लोगों के जख्मी होने का या
किसी तरह से कुचलने का खतरा उसमें था, तो बहुत ही भयावह था, डरावना था वो, बहुत डरावना था। आरुषि, जब आपने तस्वीर देखी आप डर गई, अभी तो आप मुस्कुरा रही हैं लेकिन उस समय बहुत आप डर दिख रहा था, तो क्या लगता है इस तरह के विजुअल्स को देखने के बाद? मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी सर वो वीडियो देख के, क्योंकि मुझे लगा कि व्हाट इफ अगर मैं होती हूँ सिनेमा हॉल में और तब ऐसा पूरा सीन क्रिएट होता तो मैं क्या करती, शायद हो सकता था वहाँ पे भगदड़ मच सकती थी, क्योंकि गेट जो थे दोनों तरफ से बंद ही थे उस समय, और जो एंडिंग का सॉन्ग चलता है फिर जो क्रेडिट्स चलते हैं वही चल रहा था उस समय जब लोगों ने वहाँ पे पटाखे छोड़ दिए, और ऑलमोस्ट जो हॉल था वो भरा ही हुआ था। तो अगर वैसा कोई सीन क्रिएट होता तो भगदड़ मच रहा तो ऑब्वियस है, और मैं यही इमेजिन करती थी कि अब मैं हूँ या फिर मेरे साथ का कोई है और वो ऐसे सिचुएशन में फंस जाता तो फिर ये बहुत ही डरावना हो सकता है सर। तो टाइगर 3 आप कब देखने जा रही हैं या नहीं देखने जा रही हैं? सर अगर आप मुझे वीक ऑफ दे देंगे तो मैं कल जाऊंगी देखने के लिए। खतरे वाली बात है ना, पता नहीं उनके फैंस किस सिनेमा हॉल में जाके कब बम फोड़ दें। हाँ। तो कोई ऐसे तो मैं उसका विजुअल रिकॉर्ड करके लेकर आऊंगी और 7 बजे के आग कान के शो में आप वो देखेंगे वो लाइव विजुअल, अगर मैं जाती हूँ ऐसा कुछ सीन क्रिएट होता है। जोखिम लेना चाहेंगी? मैं एक बार ट्राई जरूर करना चाहूंगी। जो 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 अभी आरुषि खतरे की बात कर रही थी ना, तो फिल्म में गाना है कि भाई म्यूजिक व्यूजिक स्टार्ट करो प्रभु का नाम, वह ये मैं उस पर लाइन जोड़ना चाहूँगा, ये लाइन बनती है कि भाई पिक्चर देखने स्टार्ट करो प्रभु का नाम लेके अगर ऐसे पटाखे दगने शुरू हो जाए। तो ये एक नई डिबेट है, नई कहानी है टाइगर 3 की, और इस पूरी बातचीत में एक जो डर है वो डर यहाँ से निकल कर सबके जहन में गया है। तो आप फिल्म जब देखने जाएं, कौन सी पिक्चर देखने गए थे अभी? आपने नहीं बताया सर, आपको कौन सा एक्टर पसंद है, आप फिल्म कब देखने जा रहे हैं, टिकट बुक कराई कि नहीं कराई? मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट अमिताभ भाई है, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ की फिल्में हम लोगों ने बहुत देखी हैं, और वो शोले तो मैंने कई बार देखी है, महीनों तक लगाए रखा है। और वो एक दौर भी था जब फिल्में किसी टॉकीज में लगती थी तो आपके पास विकल्प ही नहीं होता था उसको, अगर आप कई दिनों के बाद कई बार साल भर 1.5 साल 2 साल तक फिल्में चल रही। पहले की मूवीज में ना मैसेज होता था, बट आज की मूवीज में ना बहुत कम ऐसी मूवीज है जिनमें मैसेज दिया जाता हो, वही अब पहले मैंने, मेरा तो फेवरेट अक्षय कुमार है, तो उस टाइम पे अक्षय कुमार की धड़कन मूवी आई थी सर, उसमें भी एक अच्छा मैसेज भी था, और प्लस अक्षय कुमार की एक्टिंग वो आज के टाइम पर भी फैमिलियर मूवीज करते हैं, और प्लस कॉमेडियन मूवीज होती है जो फैमिली के साथ आप देख भी सकते हैं, और ऐसे तीन ये एक आखिरी चकल्लस में आखिर में हम एक सवाल कर रहे हैं, 3 खान में आपके फेवरेट खान कौन है? नहीं, मेरे फेवरेट खान सलमान खान ही है मेरे फेवरेट खान, क्योंकि मैं बचपन से उनको फॉलो करता चला आ रहा हूँ, बहुत मैं उनको पसंद करता था हूँ भी। तो आपके स्टार ने शादी क्यों नहीं की? शादी तो क्या ही बताऊँ, नहीं की है, की है उन्होंने शादी की, लेकिन उन्होंने शादी नहीं करते हुए बहुत सारी चीज़ें की हैं, वो जाने कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की है, वो कई बार कह चुके हैं कि एक उनका बड़ा बहुत इमोशनल सा है कि एक लड़की छोड़ कर जाएगी तो मैं ही गलत हूँ, दूसरी छोड़ कर जाएगी तो मैं ही गलत हूँ, तीसरी छोड़ कर जा रही है तो मुझे लगा कि नहीं मेरे में ही खराबी है कुछ ना कुछ, और फिर 4th, 5th, 8th, 10th इसका अलावा मैं ही खराब हूँ, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। बड़ा इमोशनल मैसेज है वो। अच्छा, और सलमान खान की मूवीज़ की बात करें तो सारी मूवी मुझे बहुत अच्छी अच्छी लगी, जैसे सुल्तान मूवी आई थी बहुत अच्छी मूवी थी। सलमान ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि मैं वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता कि जिससे मैं शादी करूँ, क्योंकि शायद उनको डर था जो हिरन वाला कांड हुआ था, उनको ये लग रहा था कि शायद मुझे इस चीज़ में जेल हो सकती है, शायद इस वजह से उन्होंने शादी नहीं की। वो तो बहुत बहुत एज में जाके कांड हुआ है, ये 3 उम्र तो उनकी 2 बार निकल चुकी थी। लेकिन उस टाइम पे ऐश्वर्या 3 खान में आपका कौन है फेवरेट? आमिर खान मुझे काफी पसंद है, उनकी मूवीज और जो मूवीज वो डायरेक्ट करते हैं वो काफी मीनिंगफुल होती है, तो आमिर खान। आपका? मैंने तो बोला मुझे एज सच कुछ ज्यादा पसंद आते नहीं है, आलिया भट्ट पसंद है बस, ठीक है, पर्टिकुलर खानों में तो आमिर खान ही है। खानों में एक खान सलमान खान, आमिर खान, सलमान ही सही है मुझे लगता है, आमिर खान ज्यादा परफेक्शनिस्ट, ज्यादा घुस जाते हैं अंदर स्टोरी में कोई भी, फिर बहुत ड्रैग हो जाती है उनकी सारी स्टोरी। सारे दिमाग लगे हुए थे, राजा हिंदुस्तानी कैसी थी, सब अच्छी थी सर, मन पिक्चर कैसी थी, अभी वो बहुत अच्छे लाइव शोज भी करते हैं, रियलिटी शोज भी। तीनों में से सलमान खान जो है वो कम कंट्रोवर्शियल फिल्में करते हैं, जैसे कि पीके हो गई या ऐसी फिल्में हो गई ना, फालतू फिल्में तो कितनी करते हैं, ये वो देखिए आप, फालतू फिल्में एकदम ट्यूबलाइट
ब्लड एकदम नॉनसेंस मूवी थी, ना उसका सर था ना उसका पैर था, वो एकदम ही नॉनसेंस मूवी थी। ऐसी तो किसी का भाई किसी की जान, क्या मूवी थी सर? मैंने कहा ना बॉस, ठग ठग ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या थी, ठग हिंदुस्तान क्या थी उसमें। देखने गया हैदराबाद में, तो पता सुनो हुआ क्या उस मूवी में। पहले तो मूवी चली जस्ट ऐसा लग रहा था अगला सीन क्या होने वाला, मुझे पता होने वाला क्या सीन होने वाला। उसके बाद हॉल में क्या हुआ मैं बताता हूँ। हॉल में हुआ ये कि आधी मूवी निकल गई है, इंटरवल आने वाला है, और इंटरवल के बाद ऐसा कोई जमकट लगता है, मूवी आगे चलने के वजह फिर से शुरू हो जाती है। हम लोग हॉल छोड़ के भाग आते हैं, हमने कहा था भाई कौन लगा दिया, शिकायत करने गए बाकायदा कि ये भाई तुमने मूवी फिर से क्यों लगा दी, अब इसको 45 मिनट कौन झेलेगा। ये हो गया तो ये एक बम वहाँ भी फूट चुका है पहले आपके, कहाँ पर? वहीं ये हैदराबाद में। हैदराबाद में तो बहुत सारे झटका बहुत सारे लग चुके हैं। तो आप देख रहे थे चकल्लस, सलमान खान की टाइगर 3 को लेकर जो क्रेज़ है वो अब आने वाले दिनों में बढ़ेगा या घटेगा। उनकी पहले दिन की कमाई तो काफ़ी बम्पर है, आगे की कमाई कैसी रहेगी, सारे अपडेट हम आपको देंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप देखते रहिए लेके प्रभु का नाम चकल्लस, सब्सक्राइब एंड लाइक।